जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं रहना, ध्वनि प्रदूषण के नियमों का की धज्जियाँ उड़ाना एक तरह से मानव स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। इस पर अंकुश लगाने के लिए हम सभी को आगे बढ़ना होगा। साथ ही साथ जो डीजे के मालिक होते हैं या जो लाउड स्पीकर या सजावटकर्ता के जो कर्मचारी होते हैं, उनके मालिक होते हैं, उन सभी को ये ध्यान देना चाहिए कि ध्वनि प्रदूषण किसी भी कार्यक्रम में ना हो, किसी भी त्यौहार में ना हो। क्योंकि प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का सभी का अधिकार है, चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी हो। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए जन जागृति आवश्यक है, विशेष रूप से पर्व त्यौहार के अवसर पर, छठ महापर्व, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा के अवसर पर एवं अन्य जो कार्यक्रम होते हैं, संगीत के कार्यक्रम हो या और भी कोई जो समारोह होते हैं, वहाँ भी ध्वनि प्रदूषण नहीं होनी चाहिए। ध्वनि प्रदूषण मुक्त वातावरण में सभी पर्व त्यौहार और समारोह आयोजित होनी चाहिए। इसके लिए हम सभी को आगे बढ़ना होगा। ध्वनि प्रदूषण मुक्त वातावरण में सभी को जीने का हक है। आइए हम सभी संकल्प लें कि समाज को ध्वनि प्रदूषण मुक्त बनाएंगे, त्यौहार को भी ध्वनि प्रदूषण मुक्त बनाएंगे। साथ ही साथ स्वस्थ समाज के निर्माण के साथ साथ लोगों के मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं रंजन कुमार, अमृत न्यूज़, पटना बिहार। नमस्कार।